हाय गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कृपया करके इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मालूम चल जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आपके बोर्ड में हर बार 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या फिर 2 नंबर का भी आ सकता है, कई बार आ चुका है, इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नया नया वीडियो डालते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ और उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, ज़्यादा उसी पर फोकस आपको करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 2i cap - 3j cap + 5k। अब यहाँ पर दिया है बी वेक्टर इक्वल टू 3i cap - 5j cap + k cap, सी वेक्टर इक्वल टू i cap - 2j cap + 3k। और हमको फाइंड करना है क्या, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हमें ये फाइंड करना है, इसका मान निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, आप कोई भी काम करो, कोई भी मतलब क्वेश्चन बनाओ, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को बनाओ, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को हल किया जाता है, उसके बाद से हम दूसरा हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में क्या दिया है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर उसका क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों, एक बार और बता दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई, यहाँ पर एक्स ए वेक्टर इक्वल टू एक्स वन आई कैफ प्लस वाई वन जे कैफ प्लस जेड वन के कैफ। उसी तरह बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू आई कैफ प्लस वाई टू जे कैफ प्लस जेड वन के कैफ। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ऐसे ये आई हो जाएगा आई कैफ जे कैफ प्लस के कैफ, ये हो गया। अब देखिए ए में कितना है, एक्स वन है, वाई वन है, जेड वन है, और इसमें क्या है, एक्स टू है, वाई टू है और जेड टू है, यहाँ पर जेड टू रहेगा। ऐसे ही हमको क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हमको सबसे पहले मान निकालना होगा, ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई कैफ जे कैफ प्लस के कैफ, ये हो गया। और उसके बाद से हम देखेंगे बी वेक्टर क्या है, हमारा थ्री है, माइनस फाइव है, वन है। सी वेक्टर में क्या है, वन है, माइनस टू है, थ्री है, हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबको मालूम होगा, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। इसके बाद से अब हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर फाइंड इसका मान हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक्स पहले बाहर निकलेगा और आई का जो रो और कॉलम को हम ढांप लेंगे, मतलब इसको नहीं दिखाएंगे, आई कैप का जो रो और कॉलम होगा उसको हम ऐसे ढांप लेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, ये माइनस फाइव वन माइनस टू और थ्री मिलेगा। तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, माइनस पंद्रह हो गया, पहले से माइनस होता है और यहाँ पर फिर से माइनस टू हो गया, ये हो गया। फिर माइनस जे के फॉर्मूला से फिर हम फाइंड आउट करेंगे, अब इसको हम लूप करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम बंद हो जाएगा, तो 3 × 9 माइनस वन हो जाएगा प्लस के कैफ। फिर इसका फाइंड आउट, इसको हम इसका रो और कॉलम बंद कर देंगे, तो माइनस सिक्स और माइनस पहले से है, ये हो गया। अब इसका मान निकालिए, माइनस पंद्रह प्लस दो, तो ये हो गया माइनस तेरह आई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस तेरह आई। अब ये हो जाएगा 9 × 7 8 माइनस एट जेड हो गया, ये 13 होगा, और ये हो गया प्लस यानी कि माइनस के कैफ। तो ये हो गया बी क्रॉस सी का मान हमको मिल गया, तो बी क्रॉस सी का मान निकल गया, तो ए क्रॉस अब इसको हम करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है यहाँ पर, चूँकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी, हमको इसका मान निकालना होगा। तो ए वेक्टर कितना है यहाँ पर, 2i cap - 3j cap + 5k,
और यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अगर डॉट का चिन्ह लगाते हैं तो हमारा गुणा अलग तरीके से हो जाता, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। और बी क्रॉस सी का हमने मान निकाल दिया है यहाँ पर, -13 आई कैफ, -8 जेड कैफ, -k कैफ। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान निकल जाएगा। इसको यहाँ पर हल हम करते हैं तो ये हो जाएगा आई हो गया, जे हो गया, के हो गया। आई की जगह पर 2 है, -3 है, 5 है, और यहाँ पर -13 है, -8 है, -1 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, उधर ही हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे हम आई को ढापेंगे ये हो जाएगा आई कैफ, अब इसको और इसको ढाप देंगे, रो और कॉलम को ढकेंगे तो -1 में 3 से गुणा करेंगे, -3 से, तो ये हो जाएगा +3 और ये -40 होगा, और पहले से माइनस होता है +40 हो जाएगा। -j कैफ इसको और इसको ढाप देंगे तो -2 और 3×5 65 तो +65 हो जाएगा, -2 + 65। इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। अब के वाले को इसका रो और कॉलम हम ढप देंगे तो हमारा क्या बचेगा, -16 और -39, -16 - 39 ये हो जाएगा 43 आई कैफ, और ये कितना हो जाएगा 63 - 63 जे कैफ, और ये कितना हो जाएगा 16 - 40 55 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55। ये हो गया हमारा आंसर, एक क्रॉस यहाँ पर एक क्रॉस बी क्रॉस सी का हमारा माइंड निकल गया। तो दोस्तों ये थी आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि और वीडियो आते रहे ताकि हमको भी आसान लगे कि आप हम भी सीख जाए कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को गुणा किया जाता है, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक या फिर किसी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कितना बार पूछा जा चुका है। ज़्यादातर तो क्रॉस प्रोडक्ट वो पूछा जाता है क्योंकि इससे आसान है डॉट प्रोडक्ट, उसको भी मैं बता दूंगा, वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा है और ये ज़्यादा सब्जेक्टिव में पूछता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो लाते रहता हूँ।